नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को सरकार ने रिहा कर दिया है। लोन को घर पर ही हिरासत में रखा गया था। शुक्रवार को उनका होम डिटेंशन खत्म करते हुए रिहा कर दिया गया है। वो करीब एक साल से हिरासत में थे। पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 6 महीने उन्हें MLA हॉस्टल में रखा गया। इसके बाद सरकार ने 5 फरवरी 2019 को चर्च लेन के सरकारी आवास में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लोन ने रिहा होने के बाद ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। लोन ने ट्विटर पर लिखा कि आखिरकार एक साल पूरे होने से 5 दिन के पहले मुझे बताया गया है कि मैं आज़ाद हूँ। कितना कुछ बदल गया है, मैं भी बदला हूँ। जेल का ये नया अनुभव नहीं था, लेकिन पहले वाले शारीरिक प्रताड़ना वाले थे, लेकिन ये वाला मानसिक तौर पर थका देने वाला था। उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी बहुत कुछ साझा करूँगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को हटाते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस दौरान कश्मीर के ज्यादातर राजनेताओं और सामाजिक संगठनों के लोगों को हिरासत में ले लिया गया था और उनके कम्युनिकेशन के तमाम साधनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इन नेताओं में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, सैफुद्दीन सोज समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल थे। अब इन नेताओं को धीरे धीरे रिहा कर दिया गया है। हालांकि अभी भी बहुत से नेता हिरासत में हैं, जिसमें पूर्व CM महबूबा मुफ्ती का भी नाम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। We'll be right back.